कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाए और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर मंदसौर जिले के गरोड़ से। विकास के नाम पर जहां मन चाहा वहां कर दिए बड़े बड़े गड्ढे। उद्योग विभाग व नगर ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों को किया गया छल्ली छल्ली। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 8 लाइन का निर्माण दिल्ली से मुंबई चल रहा है। दिल्ली मुंबई रोड के मध्य मंदसौर जिले के गरोड़ क्षेत्र में रोड निर्माण कार्य के दौरान रोड पर खनन कर जो मिट्टी लाई जा रही है वह निर्माणाधीन रोड के नजदीक क्षेत्रों से खोद कर लाई जा रही है, जिसमें पोकलेन मशीन और डंपरों की मदद से उक्त कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र की कई रोडें जो लोगों को एक दूसरे से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को जोड़ती है, उनके नजदीक बड़े बड़े गड्ढे कर देने से यहां के निवासियों को भविष्य में काफी दिक्कतें होंगी। साथ ही उद्योग विभाग की आरक्षित जमीन पर भी रोड के ठेकेदार द्वारा खुदाया जा रहा है। गरोट व नजदीक गाँव बढ़िया अमरा के तालाब में 8 लाइन के लिए मिट्टी खोदी जा रही है, जिससे भविष्य में तालाब का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड हिरण मगरी उदयपुर राजस्थान द्वारा उक्त रोड का कार्य किया जाकर कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से विभिन्न क्षेत्रों में खनन की प्राप्ति ली गई, लेकिन कई क्षेत्रों में कंपनी द्वारा खुदाई का कार्य बिना परमिशन के किया गया है। साथ ही कार्यालय कलेक्टर खनिज विभाग द्वारा जो गाइडलाइन दी गई, जिसमें नेशनल पार्क अभ्यारण्य को मानव बसावट, शैक्षणिक संस्था, चिकित्सालय, पुरातात्विक धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो, कोई जली निकाय, नदी, तालाब, नहर स्थित हो तो उसकी दूरी अलग कंडिका में कम से कम 40 मीटर की दूरी सुनिश्चित करके खनिज विभाग द्वारा कंपनी को खनन करने की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन गरुड़ क्षेत्र में ऐसा न होते हुए कई महत्व की चीजें नष्ट की जा रही है। पूर्व में शासन की योजना अंतर्गत जनहितेशी तालाब, उद्योग आदि स्थापित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। यदि वह नष्ट होते तो यह नुकसान शासन का होगा, जिस पर जिम्मेदार करोट अनुविभागीय अधिकारी राम प्रसाद वर्मा ने कहा है कि हमारे संज्ञान में मामला आया है, हम देखते हैं अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाएगी। करोट संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। सर, ये 8 लाइन में जो खोदा जा रहा है अपने रोड के लिए जो मिट्टी खोदी जा रही है, तो ये तालाब वगैरह इस जगह से भी खोदी जा रही है, इसके लिए क्या होगा? ये मामला आप मेरे ध्यान में लाए हैं, इस संबंध में मैं तालाब में यदि मिट्टी खोदी जा रही है तो मैं जो GR कंपनी के लोग हैं उनसे बात करूँगा कि तालाब बाल नष्ट न हो। मिट्टी यदि खोदते हैं तो बिना परमिशन नहीं खोदें, तो इस संबंध में आपने मेरे संज्ञान में बात लाए हैं तो मैं इसको। सर, एक गरोट के उद्योग विभाग क्षेत्र की मिट्टी भी खोदी गई है बहुत सारी जगह और रोड भी डैमेज हुए हैं बहुत सारे। यदि उद्योग विभाग की ज़मीन खोदी जा रही है तो वो गलत है, क्योंकि उद्योग विभाग को हमने आरक्षित कर रखी है ज़मीन,
उनको दे रखी हैं। तो जब तक प्रश्न उत्खनन का है तो उनकी जितनी भी मिट्टी गिट्टी जो भी चलती है उसका रॉयल्टी के बिल, रॉयल्टी से बिल कट जाता उनका, तो वो एक सामान्य बात है। परंतु रोड, तालाब, हमारी आरक्षित ज़मीन जो किसी चीज़ के लिए आरक्षित है वो नहीं खोदी जा सकती, उसके लिए हम आप हमारे नॉलेज में लाए, हम इसका पता करके करेंगे। सर जान उसके रसीदों का मैंने जैसा आपको बताया कि उनकी रॉयल्टी से ही सारी चीज़ें कट जाती है। जितने किलोमीटर रोड बनती है उसके मान से कितनी गिट्टी लगती है, कितनी मिट्टी लगती है, कितना मटेरियल लगता है, उसकी रॉयल्टी उनके बिल से कट जाती है, इसलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। सर जो तालाब थे उनको जो घेरे किए गए तो उनका अनुमानित किया घेरा ज़्यादा हुआ था उसका? अब मुझे यहाँ आए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए घेरीकरण कहाँ कहाँ हुआ, किस किस तालाब का हुआ ये मेरे संज्ञान में अभी नहीं है, इसका हम पता कर लेंगे।